किस तरह पौड़ी कहेंगे और गया ठीक है कितना कितना है यार वाले तो खार दे गए मुंडिया गुथिए गुथ जल्दी कर जल्दी टट 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 ढोकरी मार यार काम से भाई अल्लाह खैर रखे तो अभी तक ये रास्ते में सूरज ग्रुप ये देखें जी समीना की हालत है इस तरह की हालत है अब मैं इसको संभालूं उसको ढूंढूं ये करूं वो करूं इतनी ही परेशानी तो ये देखें साथ में नहर भी बह रही है और आगे एक बाइक वाला वो जा रहा है भाई और वीरान सड़कें भी हैं तो अल्लाह पाक हमें मंदिर तक पहुंचा दे आप उसका कितना दूर आ गई तकरीबन ये देख लें तहसील भी चेंज है और ज़िला भी चेंज है ओहो हाँ अहमद भाई ये देखें आ चुके हैं भाई चलें फिर हाँ हाँ जी देर नहीं करनी यार चलो चलो ज़रा गाड़ी जो है वो दोबारा स्टार्ट हो चुकी है और मौलवी जो है ना वो भी आ रहा है बैठते हैं और अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों क्या हाल है ठीक ठाक हैं खुश हैं तबीयत से ठीक आई हो बिल्कुल ठीक होंगे हम भी ठीक हैं अल्लाह का करम है शुक्र है उस ज़ात पाक का एहसान है कहते हैं कि दुख में भी शुक्र अदा करें दुआ करें और सुख में भी शुक्र अदा करें दुआ करें अल्लाह पाक मेहरबानी फरमाए तो अल्लाह के फजल व करम से छानबीन जो है वो हम तेज़ कर रहे हैं हर जहाँ पे जितना भी शक होता है वहाँ पे पहुँच जाते हैं और जैसे ही मेरे बेटे का कोई थोड़ा सा सुराग इतना मिलेगा यकीनी सुराग जो मिलेगा ना अगर वो मुल्तान में है उतर जाए हम मुल्तान तक जाएंगे भावलपुर में भावलपुर तक जाएंगे उसके बाद जो है पाकिस्तान के किसी कोने में हमें बताएंगे कि उधर है आपके बेटा पक्की डेफिनेटली किसी की बात होगी पक्का प्रूफ सबूत होगा फिर जो है हम वहाँ पूरा मुल्क कराची जाना पड़े लाहौर जाना पड़े पूरे पाकिस्तान जिस शहर में जाना पड़ा हम जाएंगे और अपने बेटे को ढूंढेंगे अपनी तरफ से चाहे मेरी मकान बिक जाए ज़मीन बिक जाए जो भी बिक जाए बेटे पर कुर्बान करूँगा बेटा जो है मैं उसको ज़रूर ढूँढूँगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से और आपकी दुआओं से मैं ज़रूर इंशाअल्लाह कामयाब हो जाऊंगा हमारा बेटा बहुत जल्द आपकी दुआओं से इंशाअल्लाह ताला आ जाएगा मुझे पक्की और पक्की ठक्की उम्मीद है जितने बहन भाई मेरे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी दुआएं भी कर रहे हैं तसलियां भी दे रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है ज़बरदस्त बात है और साथ में ये भी कॉमेंट हो रहे हैं कि आपका बेटा बलोचिस्तान पहुँच गया आपका बेटा इधर क्वेटे आ गया है आपका बेटा मुल्तान आया हुआ है आपका बेटा लाहौर आया हुआ है ये तो कमेंट है इन पे यकीन नहीं किया जा सकता ठीक है जी तो कोई बात नहीं जो भी कमेंट करें जिस तरह का कमेंट करें आपकी मर्ज़ी होती है अगर गलत बैड कमेंट की बजाय आप दुआ कर दें तो हमारे दिलों में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी और हम जो तासर आपके गलत कॉमेंट के लिए रखते हैं तासरात वो ख़त्म हो जाएंगे तो अभी जो है ना कुछ देर में जो है ना निकलते हैं एक और जगह पर हमें लियाकतपुर साइड पर हमें किसी ने बताया है तो उधर आज जो है ना छापा मारते हैं और देखते हैं यहाँ पर भी लाजमी छापा मार रहे हैं क्योंकि इस घर से भी नंबरदार जो है ना वो बरामद होने के चांस हैं तो पता करते हैं जाके इंशाल्लाह ताला आपकी दुआएं चाहिए आप दुआ करें अभी थोड़ी देर में निकल रहे हैं और इंशाल्लाह जल्दी पहुँच के वहाँ पर चेक करेंगे इंशाल्लाह खुशखबरी जो है ना वो आएगी इंशाल्लाह ताला ये देखें जी समीना की हालत है इस तरह की हालत है अब मैं इसको संभालूं उसको ढूंढूं ये करूं वो करूं इतनी ही परेशानी जूँ जो बढ़ती जा रही है कम नहीं हो रही है अब ऐसे उधर उधर सी हो जाती है आँखें इधर उधर देखने लग जाती है पहचान किसी की नहीं कर रही कोई भी अभी मुंशी जो है ना उसकी पहचान नहीं की इसने और मुंशी की वाइफ भी आई हुई है उसको भी नहीं पहचाना इसने बस ऐसे ही करते रहते हैं ये कंडीशन बनी हुई है अब बताएं क्या करूं मैं प्यारे बहन भाइयों अभी जो है मैं जा रहा हूं अहमद के पास उसको बोलता हूं भी गाड़ी निकालें और चलें जहां पे जाना है वहां पे जाके फिर तलाश करते हैं उम्मीद कभी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला मेरा दिल कह रहा है कि यहां पे ज़रूर उसने मिल जाना है तो आप दुआ करें वो जल्द से जल्द जो है ना हमें मिल जाए बाकी अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो देखते हैं अहमद क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा वो भी आपके साथ शेयर करते हैं
और तो गाड़ी निकाल के ना चलते हैं। आवाज़ आ रही है शायद गाड़ी, मेरे ख्याल में उसने निकाल रहा है। हाँ वो देखें जी, गाड़ी निकाल ली है जी हमने, अभी चलते हैं। मुझे ना बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत ही ज़्यादा और उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह ताला उसको ढूंढ के रहेंगे इंशाल्लाह ताला। जहाँ जहाँ जाना पड़ा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जहाँ जहाँ भी जाना पड़ा हम जाएंगे तो उसको ढूंढ निकालेंगे, किसी तरह से भी ढूंढ निकालेंगे। ना ज़मीन आसमान निकल गया, ज़मीन खा गई, किधर गया हमारा बच्चा। अल्लाह खैर फरमाए आपकी दुआओं से इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के फजल व करम से मेरा बेटा जो है ज़रूर मिल जाएगा। अहमद भाई ये देखें आ चुके हैं भाई, चलें फिर। हाँ हाँ जी, देर नहीं करनी यार, चलो चलो ज़रा। हाँ जी, अभी यहाँ से निकलते हैं। ओ सोरा मेरा आ रहा है, आटा लेने गया, कहते मैं आ जाता हूँ फिर। अच्छा, चलो आप जो है ना जब तक आ जाओ, मैं जो है ना जो करता हूँ अपना वो आपको बुलाता हूँ तब तक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम शुक्र है। पहुँच गया खरियत से, अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गया। चलो रवाना हो। हाँ जी, हम जाते हैं। अरे बहन भाइयों, यहाँ पे रुक गए हैं वो अहमद के ससुर अफजल भाई जो है ना, वो गए हुए हैं चक्की से आटा लेने के लिए। जैसे वो आते हैं आटा घर रख के ना, फिर हम सब निकल रहे हैं। मुंशी भी हमारे साथ है, बैठा हुआ है जी, और अहमद भाई बातचीत कर रहे हैं किसी से। तो आपने दुआ करनी है, बहुत ज़्यादा दुआ करनी है, अल्लाह पाक हमें कामयाब फरमाए। हमारा बेटा, हमारा जिगर, लखते जिगर, हमारा प्यारा बेटा, नौजवान बेटा, नंबरदार मौज़म जो है हमें ज़रूर मिल जाए। या अल्लाह करम कर, या अल्लाह करम कर, हमारा बेटा हमें सही सलामत हमें दे दे मेरे प्यारे अल्लाह। गाड़ी जो है वो दोबारा स्टार्ट हो चुकी है और मौलवी जो है ना वो भी आ रहा है, बैठते हैं और चलते हैं अल्लाह के फजल व करम से इंशाल्लाह ताला। प्यारे बहन भाई, जैसे हम रात को जंगल के रास्ते वहाँ पे निकले थे तो वहाँ पे वाक्य भी पेश आया था, हमें बंदे थे आगे पीछे, फिर हमने बड़ी मुश्किल से जान उनसे जान छुड़वाई है, अल्लाह ने करम किया। तो आपने दुआ करनी है, आप हम जहाँ जा रहे हैं ये भी बहुत दूर का सफ़र भी है और वीरान सड़कें भी हैं, तो अल्लाह पाक हमें मंदिर तक पहुंचा दे। आप दुआ करेंगे इंशाल्लाह ताला पहुंच जाएंगे अल्लाह के फजल व करम से इंशाल्लाह। प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है ना अभी तक हम रास्ते में हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सफ़र है। ये तकरीबन अहमद भाई बता सकते हैं कितना उनका है, उसका कितना दूर है अभी? तकरीबन ये देख लें, तहसील भी चेंज है और ज़िला भी चेंज है। ओहो हाँ, हम अपने ज़िले रहीमयर खान से आउट जा रहे हैं, अब ज़िला तब्दील हो जाएगा। हाँ सही है। चलो जी, क्योंकि काफ़ी सफ़र है, हम गाड़ी दौड़ा भी रहे हैं ताकि टाइम से पहुँच जाएँ और मज़ीद अंधेरा जो है ना वो ना हो जाए। तो आगे रास्ते में ना वो मसला ये होता है कि कुछ सड़कें टूटी फूटी आ जाती हैं, छोटी देहात का इलाका है वहाँ पे जाना है, तो वहाँ पे कच्ची सड़कें भी हैं जहाँ पे रोड नहीं बने हुए, कच्ची सड़कें भी ऐसे पड़ी हुई हैं, जंगल वीरान बयाबान ये चीज़ें हैं सारा। तो हम वहाँ वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खौफनाक रास्ते होते हैं, क्योंकि हमें तकरीबन पता यही चलता है कि वहाँ जाएँगे। तो उम्मीद रख के यही चाहते हैं कि वो हमारा बेटा जो है ना हमें उधर से ज़रूर मिल जाएगा, जैसे आज उम्मीद करके जा रहे हैं कि अल्लाह पाक करम करे और हमारा बेटा वहाँ से बाजियाब हो जाए, उनके पास हो, वहाँ पे वो पकड़े जाएं और वहाँ पर बच्चे को ले आएँ। तो अभी जो है ना रास्ते में है, फिर आपसे मज़ीद शेयरिंग करेंगे। तो हमारे साथ रहना है और देखना है कि क्या बनता है। माशाल्लाह खूबसूरत मस्जिद है, बहुत ही प्यारी लग रही है। आराम से यार, आराम से भाई, अल्लाह खैर रखे। तो अभी तक जो रास्ते में सूरज ग्रुप हो चुका है, मगरिब की अजान जो है ना होने वाली है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ी को भगा के ना जल्दी जल्दी पहुंचने की कोशिश करें। लेकिन अभी तक जो है ना आधा सफ़र हो चुका है, तकरीबन आधा सफ़र अभी जो है ना रहता है। तो
यहाँ पे छोटी छोटी रोडें हैं, फिर छोटी छोटी रोडों से गुजर कर फिर हम कच्ची सड़क पे जरा चले जाएंगे, जहाँ पे धूल मिट्टी कच्ची सड़क होती है वहाँ पे, तो वहाँ से भी गुजरना है। यहाँ से सारी सड़क टूटना स्टार्ट। हाँ जी, यहाँ से और सारा जंगल है, ऐसे कमांड है। हाँ जी, तो यहाँ से जो है ना ये चीज़ें देख चेक करें, इधर से कमाद, इधर से कमाद, फिर ये सड़क टूटी हुई, बहुत ही मसला बनता है। प्यारे बहन भाइयों, हम जो है ना अभी करीब पहुंच चुके हैं जहाँ पे छापा डालना है। तो ये देखें साथ में नहर भी बह रही है, और आगे एक बाइक वाला वो जा रहा है भाई, और इधर तो सड़क देखें टूटी फूटी सड़क है जी, बहुत ही पुरानी, अरसा दराज से रिपेयर भी नहीं की गई मेरे ख्याल में। तो गाड़ी हमारी जंपिंग कर रही है, तो बस पहुँचने ही वाले हैं, थोड़े से मिनट का फासला, अभी थोड़े से मिनट का फासला रह गया है। ये कोई आ रहा है बुनियादी मरकज बोर्ड लगा हुआ है, मरकज सियात वाला। तो अभी इधर तो खुद सड़क देखने लायक भी है, देखें वो ख़त्म हुई पड़ी है। प्यारे बहन भाई, अभी जो है ना वहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमने जाना था, तो वो जगह आ चुकी है, और सामने देखें गाड़ी जो है यहाँ पे खड़ी करके अभी जो है सारे जा रहे हैं इकट्ठे होके, जा के ना बड़ा ही छापा लगा देना है। जंगल है, हाँ सुन भाई, बान जंगल ये देखें, इधर से ये देखें, वो जैसे वो घर हैं वो देखें सारा, ये सारा। हाँ रास्ते भी नहीं है ये, ये चेक करें। हाँ तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं जी, अभी सात चार बंदे जाएंगे दौड़ के, छापा इस तरह का लगाएंगे कि उनके जो है ना पता ही ना चले, उनको होश भी ना हो कोई आके पड़ा है। घर को ताला लगा हुआ था, घर यही है। होले टुरो यार, हेलो होले टुरो, मेरे को तो नाल मिलन जो। हाँ अच्छा चलो फिर, चलो चलो। वो अहमद किधर चला गया यार, यार वो अकेला उधर चला गया है, कमाल की बात है यार। देख चल अमिर मुंशी यार, आगे हो ना उसके साथ तो हो ना, हमारी टांग का मसला है, हम तो स्लो स्लो आएंगे, हम तो आते रहेंगे आराम से, जब हम भाड़े करें जल्दी आ जाना। हाँ ये भी था, हे ना रोला वो बुला रहा है। आया 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 आया, घर को ताला लगा हुआ था, घर यही है। होले टुरो यार, हेलो होले टुरो, मेरे को तो नाल मिलन जो। अच्छा चलो फिर, चलो चलो। वो अहमद किधर चला गया यार, यार वो अकेला उधर चला गया है, कमाल की बात है यार। देख चल अमिर मुंशी यार, आगे हो ना उसके साथ तो हो ना, हमारी टांग का मसला है, हम तो स्लो स्लो आएंगे, हम तो आते रहेंगे आराम से, जब हम भाड़े करें जल्दी आ जाना। हाँ ये भी था, हे ना रोला वो बुला रहा है। आया 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 आया, मुझे अहमद भाई पता नहीं के देखे थे आ गए यार, ओ सारे ना भाई मुझे मुझे सुना पे। हेलो यार, आगे आगे चल, मेरी टांग का मसला यार, मैं भाग नहीं रहा, चल 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 चल। मुझे छोड़ी ना, काबू करें छोड़ी ना, मुझे काबू थी बात, काबू थी, काबू काबू पकड़ने पकड़ने को पकड़ने
वो का गाल तो छोड़ के दे मेरा पे वो कितना पड़ गया यार वैसे ठीक है कितना कितना यार की आवाज दे यार एक रोक ओ भाई भाई ओ भाईजान रोक वन टेंशन या दे भाईजान भैया गाल सुन क्यों कोई है से रो ये भाग क्यों रहा है बंदा ये ताला आते वास्ते कुछ लगा ताला हां मामा ना तू खाना बने ओए क्या अभी ठीक है ख्याल ना मुझे ख्याल ना ख्याल करी मेरी सा हाय हाय मुझे दे 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 नहीं यो नहीं नहीं यार पकड़ 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 बैठ गए यार मौली तोड़ता सही यार मौली मौली तू खार दे गए मुझे गुथी गुथी जल्दी कर जल्दी तोड़ 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 ढोकरी मार यार बंदा मत है पकड़े बस है पकड़े है बंदे को फिर गायब हो गया कितने बाल गया बात यार इवें ना नर बंदे बे भी थी सकते ना घर यार बंदा है ये अकेला बंदा है वो और बंदे नहीं है उसके साथ यार ये कोई पानी लगाने वाला या कौन ये भाग क्यों यार पकड़ी काबू कर काटा काटा इसको काटा काटा ये हमारे डर से क्यों भागा अल्लाह के बंदे इतना क्या ना बहुत खतरनाक काम थे ना यार तू साडे को क्यों डर गई घर आंदे पिया से यार मैं ही वास्ते से तेको सजे से ओ तेरे घर को ताला लगा पे ओ तेरे घर को ताला लगा पे ते असा के भी अहमद ही को बंदे को पुदू भी अहमद दा घर किथा है होन या केदे गए तू देख ते भाज पई नंबर का नहीं मिला ही जंगल सिग्नल ही कहनी नंबर का नहीं मिला तू भजण वाली कीती यार कमाल है अहमद भाई हुंदी गल ठीक है चार बंदे जो असा लागे यार चार पांच बंदे जो है मेको क्या ओ डरना हा ना ओ भी ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੰਗਲ ਚ ਇਹ ਜੰਗਲ ਇਹ ਦੇ ਚੰਗਾ ਤਰੋਕਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਓ ਓ ਓ ਵਾਲਾ ਓ ਓ ਚੱਲੇ ਓ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕਮਾਂਡ ਯਾਰ ਆਮ ਸੌਰੀ ਯਾਰ ਲੇਕਿਨ ਗਲਤੀ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੈਸੇ ਯਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਜੇ ਮੈਂ ਕਿ ਭਜਣ ਰੋਕ ਕਵਾਂ ਕੁਛਾ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵਦੇ ਭਜਣ ਰੋਕ ਰੋਕ ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਜਣ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਯਾਰ ਚਲੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਇੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਖੜੇ ਬਲਾ ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਯਾਰ ਢੇਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਏ ਮਾਹੌਲ ਜੰਗਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਡਰਨਾ ਹੀ ਆ ਬਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਯਹਾਂ ਪੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਟਕੇਟੀਆਂ ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ ਤੋ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਰਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤੋ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹਮਨੇ ਤੋ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਆਪਕੋ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨੀ ਥੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਸਮ ਗਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ वो बंदा घबरा जाता है ना समझ नहीं आती भी ये अचानक अहमद कैसे हो सकता है या उसकी आवाज कैसे और चार चार बंदे हैं दो दो हैं तीन तीन बंदे हैं चार पांच बंदे हैं और भजो भजो पकड़ो भजो मैं क्या पता कौन है हां साकू ना इतो कर एक सुराग मिले भी इदे समीना अहमद वाले पास ही पास तो समझो नंबरदारी नहीं है तेरे नाल नंबरदार व्हाट्सएप पे गाल बात भी करें रहा तेको पता है ना नंबरदारी ठीक है गाल थींदी है ना ते साकू ना काफी बंदे आखे यार हूं दे घर वांते पता करो ते असा तेरे घर आंदे पिया से मतलब जिस टाइम ए बंदा भजे वाला साकू तू भजड़े भजी ना साकू ए यकीन थे जो यार लगदे नंबरदार या खुद नंबरदार भाग रहा है
या ये नंबरदार को किसी ने छुपाया हुआ है और उसको ये पता है कि शायद पुलिस आ गई है या कोई पकड़ने आ गए इसलिए भाग असा तो हीवा से तेरे पीछे भज्जे से असंग यार यार इथा खान चंगा का अच्छा जुल्लो जुल्लो ओ यार ओ चले मुखले चले और बाप हम जिस बंदे के घर जा रहे थे वो ही बंदा इधर उस मकान को ताला लगा हुआ है वो इधर कमाद मैंने पता नहीं क्या कर रहा था पानी लगाया तो जैसे ही आके उन्होंने पूछा भाई जान किया तो वो भाग पड़ा पता नहीं कौन आ गया है क्या करने आ गया है वो था वही अहमद मैं बहुत थक गया यार मैं बेहोश होने वाला खुद इतना गर्मी थी कि पसीना छूट गया यार ई भनवा सटे को देखो ना इतनी दूर है देखो हां ओ हम देखो हम देखो लाइट आ रही है ना ओ ओ यार और गर्मी थी कि भाई यार अहमद रोल सटे थी ना जे को गुले दे वदे ओ ना हुंदे नाल इथा रोला पै गए असा वदे कोई ब्याह बंदा है ओए होए होए यार डर गए आदे ना हालात यो जे खराब है ना ही वास्ते चले अल्लाह खैर फरमाए अल्लाह पाक रहमत करे तो जाके अहमद के घर फिर बातचीत जो है ना वो करते हैं पूछते हैं।